सामने आ रही है। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम का पुतला फूंका, मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण में कोटा देने का विरोध किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल की सीएम का पुतला यहां भाजपाइयों द्वारा फूंका गया है। बता दें कि ये विरोध मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण में कोटा ना देने को लेकर किया जा रहा है। उनकी मांगे हैं कि मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण में कोटा दिया जाए। आपको बता दें कि मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण में कोटा देने का उन्होंने विरोध किया है। सीएम ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति का भी आरोप यहां लगाया गया है। इसके विरोध में यहां पर उन्होंने सीएम का पुतला फूंका। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विजय, ये पुतला जो फूंका गया है पश्चिम बंगाल की सीएम का, क्यों फूंका गया, क्या मांगे हैं इनकी? देखिए अंजलि, आपको बता दें कि मुस्लिम तुष्टिकरण और मुस्लिम आरक्षण इस समय चुनावी मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को घेर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मुस्लिमों की जो 36 जातियां हैं वो ओबीसी में शामिल हैं, वो उत्तर प्रदेश भी है और केंद्रीय सेवाओं में भी उनको आरक्षण है। लेकिन ममता बनर्जी ने 2010 में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में सभी मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण देने का वादा किया था और सरकार में एक बार उन्होंने 2010 में दोबारा वापसी की तो उन्होंने वो आरक्षण की उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सभी मुसलमानों को ओबीसी का कोटा उन्होंने दे दिया, जिस पर एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि ममता सरकार का ये फैसला असंवैधानिक था और 2010 में दिए गए इस आरक्षण को निरस्त करते हुए उन्होंने वो सभी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं। तो जाति प्रमाण पत्र निरस्त भी हो रहे हैं, लेकिन इस आरक्षण के बल पर जिन लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था या नौकरी कर सर्विस में उनकी लग चुकी है या कोई फायदा ले चुके हैं, उन पर ये जो आदेश है वो प्रभावी नहीं होगा। उनकी नौकरी को, उनके किसी भी कार्य को इससे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज के बाद, अभी के बाद से वहाँ मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण जो सभी मुसलमानों को दिया जा रहा है वो नहीं दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक का हवाला दिया है। अकेला कर्नाटक राज्य ऐसा नहीं है, कर्नाटक के साथ आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है और ये 5 राज्य देश के ऐसे हैं जिनमें सभी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे कर्नाटक में ओबीसी का कोटा बढ़ाकर 32% कर दिया गया है राज्य की सेवाओं में और 4% वहाँ आरक्षण मुसलमानों को अलग से कोटा है। मुस्लिम अगर कोई अपना किसी भी सरकारी सेवा के लिए आवेदन करते हैं तो 4% कोटा उन्हें मिलेगा और ये सभी मुसलमानों के लिए, जबकि केंद्रीय सेवाओं में मुस्लिम की जो 36 जातियां हैं जिन्हें वैसे सच्चर कमेटी जो 2005 या 6 में सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये माना गया था कि मुस्लिमों का आर्थिक और शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अति पिछड़े से भी ज्यादा पिछड़े हैं, इसलिए उनको आरक्षण की सच्चर कमेटी में सिफारिश की गई थी। लेकिन मुसलमानों को अलग से जो 5% जो माइनॉरिटी आरक्षण है उसमें उनको वो जा सकते हैं, लेकिन ओबीसी का अलग से कोटा चाहे वो तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो या आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पहले से दिया जा रहा है। और एक और बात आपको बता दें कि कर्नाटक, ये मुद्दा तब आया था जब कर्नाटक तब जो बम्बई सरकार थी, जो सिद्धारमैया सरकार से पहले, वो सरकार ने चुनाव से 2 महीने पहले ही मुस्लिम आरक्षण को निरस्त कर दिया था कि सभी मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा और उस कोटे में से बोकालिंगा जो और अन्य ओबीसी की बरादरियां थी उनको शामिल कर दिया था। तो तभी से कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे थे। लेकिन यहाँ एक और बात आपको बता दें कि जो टीडीपी है आंध्र प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी की साझेदार है, उसने भी मुसलमानों को 5% कोटा देने का अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के दलों को घेर रहे हैं, लेकिन जो अपनी टीडीपी पर, तो ये चुनावी समय में ऐसे में जो फैसला सुनाया है
कोलकाता हाईकोर्ट का इसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा, इसके अपने एक मायने हैं। और ये जो मुस्लिम आरक्षण है वो वैसे मुसलमानों की जो 36 बरादरियां हैं, जैसे हिंदुओं में तमाम हैं, तो मुस्लिम ओबीसी आरक्षण के साथ ही एससी आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं। तमाम उनकी जातियां हैं, जैसे जो मुस्लिम सफाई कर्मी हैं, जो जिनमें अन्य बरादरियां हैं, जैसे और ओबीसी की जो बरादरी उनके समकक्ष, हिंदू की जो एससी की बरादरियां उनके समकक्ष मुसलमानों की जो बरादरियां हैं एससी की, वो बरादरियां मांग कर रही हैं क्योंकि कि उनको आरक्षण, उनको एससी का आरक्षण दिया जाए। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, लेकिन कोलकाता जो हाईकोर्ट है उसका फैसला आते ही इस पर अब सियासत तेज हो गई है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तमाम कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी की तमाम विंग है, जैसे उनकी ओबीसी विंग है, मतलब योगी विंग है, यानी हर किसी ने पूरे देश भर में ये प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है कि वो मुसलमानों को बढ़ावा दे रही हैं। और यही मुद्दा आप देख सकती हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई भी आप भाषण उठाकर देख लीजिए तो उसमें ये मुद्दे आएंगे। तो एक तरीके से राजनीतिक ठेस लेने की इसमें कोशिश है जी। और हालांकि तमाम राजनीतिक दलों की अपनी बात है, जैसे इंडिया गठबंधन संविधान बदलने की बात कर रहा है और जो प्रधानमंत्री मोदी लेट जो एनडीए गठबंधन है वो बात कर रहे हैं कि संविधान में संशोधन कर मुसलमानों को हिंदुओं की संपत्ति छीन कर दिया जाएगा। तो इस समय धर्म पर ये राजनीति आ गई। लेकिन आरक्षण के बारे में आपको बता दें अंजलि कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसी आधार पर कोलकाता हाईकोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण को निरस्त कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी सरकार ने 2010 में जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें हिंदुओं की भी कुछ बिरादरियां शामिल थी, लेकिन मुसलमानों का अलग से कोटा निर्धारित कर और कोई भर्ती वहां हुई थी जिसमें 16% आरक्षण तक दे दिया गया था, जिस पर पीआईएल दाखिल हुई और पीआईएल दाखिल होते ही हुआ तो उसकी जांच हुई, तब ये सनसनीखेज मामला सामने आया कि पश्चिम बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। तो इस पर ये चोट मानी जा सकती है और कहीं ना कहीं कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला है ये फैसला नजीर भी बन सकता है उन राज्यों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण है, लेकिन उसमें जो मुसलमानों की 36 बरादरियां हैं, जैसे बिस्ती अब्बासी हैं और उस्मानी हैं और उनकी तमाम वो बरादरियां हैं, उनको जो आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो हालांकि क्रीमी लेयर में जो बरादरियां आती हैं उन पर ये नहीं होता है, जिनकी जो जो, जो वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है उन पर ये फैसला लागू नहीं होता है। ये तो आरक्षण पहले से मुस्लिमों को है, उनका 5% जो माइनॉरिटी में वो शामिल हैं जिसमें जैन बौद्ध सिख पारसी और ईसाई और मुस्लिम शामिल हैं, वो उनका कोटा है। ओबीसी में उनको कोटा दिया जाता है, जैसे ओबीसी की 36 बरादरियां हैं तो देश के 5 राज्य ऐसे तो विजय ये जहां अब आरक्षण में मुस्लिमों को कोटा देने में क्यों विरोध किया जा रहा है इसका भाजपाइयों द्वारा? देखिए विरोध मुसलमानों के हक पर नहीं है, विरोध इस बात का है कि जैसे हिंदुओं में भी तमाम बरादरियां हैं तो उनमें ओबीसी में शामिल जो बरादरियां हैं, एससी में शामिल जो बरादरियां हैं उनको ही आरक्षण का लाभ मिलता है, जनरल कास्ट को नहीं मिलता। ऐसे ही मुसलमानों में जो जनरल कास्ट मानी जाती है उनमें शेख हैं, उनमें तमाम जो हमारे आगरा में भी हैं उनको वो सर्टिफिकेट जारी नहीं होते। जी विजय, कुछ विजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम का पुतला फूंका। बता दें कि यह विरोध उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि मुस्लिमों को जो ओबीसी आरक्षण में कोटा दिया जा रहा है उसका भाजपाइयों ने सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंक कर किया, सीएम ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया और योगी यूथ ब्रिगेड ने पंचकुला पर यह पुतला दहन कर इसका विरोध किया है।